सो गाइस, हम लोग बालेश्वर पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं बालेश्वर बीच की ओर। सो आप लोग वीडियो बने रहना और देखते रहना। फिलहाल हम लोग के लिए ऑटो आ चुका है, तो चलते हैं हम लोग ऑटो की ओर। ये रहा हमारा ऑटो और अभी हम लोग चलेंगे ऑटो पे। सो अपने वीडियो को बने रहना और देखते रहना वीडियो को। सो गाइस, हम लोग ने ऑटो ले लिया है दुबलागुड़ी जाने के लिए, और दुबलागुड़ी जाने के लिए यहाँ तक का ऑटो रेंट है करीब 700 रुपये। तो आप लोग 700 याद रखना, 700 से ज़्यादा मत देना भाई किसी को। तो बढ़ते हम लोग दुबलागुड़ी की ओर। सो फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं देव मेरिन रिसोर्ट और हमारे जस्ट पीछे में है समुंदर। तो पहले हम लोग चलेंगे रिसोर्ट, उसके बाद आपको समुंदर का भी सैर करवाते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अंदर की ओर। सो गाइस, आपको मिलवाता हूँ इमो से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो दो इमो हैं और इतने नज़दीक से मैं पहली बार मिल रहा हूँ इमो से। वाओ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हाय इमो, हाय हाय। सो गाइस, थोड़ा डर भी लग रहा बट बहुत अच्छा लगा। चलिए आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हवा भी चल रहा है। ओह सॉरी, जैसे कि यहाँ पे आप आइएगा तो सबसे पहले आपको वेलकम ड्रिंक मिलेगा, जैसे कि हमारा वेलकम ड्रिंक आ रहा है। सो गाइस, यह है भैया यहाँ के स्टाफ और हम लोग को वेलकम ड्रिंक दे रहे हैं। सो कि बहुत ही अच्छा लगता है कि कहीं आओ और वेलकम मतलब डाब पानी से हो। तो थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू। सो गाइस, इस रिसोर्ट पे सबसे खास मुझे ये चीज लगा, लंच करने के लिए नाव बना हुआ है। नाव के ऊपर आप बैठ के लंच कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, जो कि एक फील होगा, वाइब होगा बीच वाला। और एक चीज दिखाते हैं आपको। ये चीज आप देख सकते हैं गाइस, झूला यहाँ पर है जो कि आप बैठ के नाश्ता वगैरह चाय वगैरह पी सकते हैं, जो कि बड़ा मजा आता भाई ऐसे। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये कितना ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप यहाँ पर भी बैठ कर लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ, आप लोग आगे बढ़िए। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये है मोर का छोटा प्रजाति, मोर की तरह खेलते हैं ये लोग। सो गाइस, हम लोग अभी चल रहे हैं अपने रूम के अंदर और रूम यहाँ के इतना ज़्यादा खूबसूरत देखने में, एकदम रंग बिरंगा लग रहा है और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं रूम। तो
अभी हम लोग चल रहे हैं बीच की ओर, आपको दिखाते हैं वहाँ का भी कुछ सुंदर नज़ारा। और यहाँ से बीच बिल्कुल सामने ही है, जस्ट पीछे ही है, तो चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस हम लोग चल रहे हैं बीच की ओर, आपको दिखाते हैं पूरा समुंदर का नज़ारा, जस्ट होटल के सामने ही है बीच, तो चलिए चलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं समुंदर बीच और आप पीछे देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत नज़ारा है यार, यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ठंड ठंड हवा भी आ रहा है। सो गाइस फाइनली हम लोग का लंच आ चुका है और आप देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत नजारा है यहाँ का, जहाँ हम लोग बैठे हुए लंच करने के लिए। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ लंच में क्या क्या है, तो सामने ले जाओ। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, चावल, पापड़, आलू भुजिया और क्या बोलते हैं इसको, मीठा चटनी और सलाद, और साथ में है फूलगोभी का सब्जी और दाल, और सबसे बढ़िया चीज़ है कॉम्पैक्ट मछली जिसमें पोस्त मिलावट है, और उसके बाद बालेश्वर का सबसे फेमस डिश काकड़ा, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए अभी हम लोग खाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ का रिव्यू कैसा रहा, कैसा नहीं है, कैसा कितना टेस्ट है, तो चलिए आप खाकर बताते हैं आपको। सो गाइस जैसे कि हम लोग लंच ख़त्म कर चुके हैं और सच मानो यार बहुत टेस्ट है खाना का भाई, सब चीज़ बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने रूम के अंदर और फिर रात का व्यू आपको दिखाएंगे यहाँ का, जो कि रात का व्यू बहुत ही सुंदर होगा क्योंकि लाइट से भरा पड़ा है, मैंने अभी देखा है यहाँ पे, लेकिन स्टार्ट हुआ नहीं है, तब तक वेट करते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको नाइट व्यू। सो आप लोग वीडियो पे बने रहना। सो गाइस जैसे कि हम लोग का इवनिंग स्नैक आ चुका है और मैं आपको बता दूँ इवनिंग स्नैक में क्या क्या है यहाँ पे। तो इवनिंग स्नैक में है यहाँ पे आलू पकौड़ा और चाय, जैसे कि अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है बाहर पे, तो उस हिसाब से ये इवनिंग स्नैक परफेक्ट। तो चलिए हम लोग मजे करते हैं अब। सो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग इस झूले पे झूलते झूलते चाय का मजा ले रहे हैं और बाहर बारिश भी हो रहा है, तो कितना ही मजा आ रहा है यार, पूरा फुल मौज। फुल मौज। सो गाइस आप लोग भी आओ, देव मेरिन रिसोर्ट नाम याद रखना भाई, अगर आप बालेश्वर आते हो तो यहाँ जरूर विजिट करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही यूनिक यूनिक चीज बनाया गया है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो मोस्ट वेलकम। सो गाइस जैसे कि मैं आपको बता दूं, देव मेरिन रिसोर्ट का नाइट का व्यू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है,
सो चलिए मैं आज आपको नाइट व्यू दिखाता हूँ। फाइनली गाइस हम लोग का डिनर आ चुका है और बहुत ही खुशबूदार महक आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे डिनर में क्या क्या है। तो थोड़ा सा कैमरा सामने, थोड़ा सा। सो गाइस यह है चिकन वन प्लेट, एकदम मसालेदार, और यहाँ पे है रोटी और एक मिठाई। तो चलिए हम लोग खा कर आपको बताते हैं कितना ज़्यादा टेस्ट है। सो आप लोग वीडियो पर बने रहो और देखते रहो वीडियो को। सो गाइस जैसे कि हम लोग ने डिनर कर लिया है और सच मानो यार डिनर बहुत ही टेस्ट था। तो अभी हम लोग चल रहे हैं अपने रूम के वहाँ, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, सो जाते हैं हम लोग। उसके सुबह मिलते हैं आप लोग से एक सुंदर गुड मॉर्निंग से। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब घर की ओर। गुड मॉर्निंग दुबरागढ़ी। सो गाइस हम लोग सुबह सुबह चाय का मज़ा लेते हुए, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग चाय पी के चलेंगे थोड़ा समुंदर की ओर, उसके बाद वहाँ से आके ब्रेकफास्ट करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो पे बने रहो और देखते रहो वीडियो। सो गाइस हम लोग समुंदर के करीब आ चुके हैं, और यार पानी इतने दूर चला गया कि मत पूछो। कल पानी यहाँ तक था और आज पानी देख लो कहाँ तक है, मतलब बहुत ही दूर चला गया। वो आने में वक्त लग जाएगा, करीब 12 बजे तक पानी यहाँ तक आ जाएगा। तो देखो नज़ारा पीछे का। सो गाइस जैसे कि आप लोगों को मैंने देव मेरिन रिसोर्ट के बारे में सब कुछ बताया, तो आपको ये नहीं बताया कि यहाँ के ओनर कौन है। तो आइए मिलवाते हैं आपको ओनर से और जानते हैं कि यहाँ का कुछ बारे में। सो गाइस ये है यहाँ के ओनर, तो चलिए आज कुछ बात करते हैं इनसे। सो भैया थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। बेसिकली मैं यहाँ की ओडिया फिल्म इंडस्ट्री का हीरो हूँ। तो अभी ये रिसोर्ट मेरा मैंने पैशन जैसे बनाया था। यहाँ पे जब आएंगे, मतलब अब जो फैमिली आ रहा है, जो बैचलर आ रहे हैं, मतलब भरपूर एंजॉयमेंट है, मतलब ज़्यादा है जो फैमिली लेके आ रहा है ना, उस उन लोग के लिए, मतलब जो एडल्ट पर्सनल जो सीनियर मास्टर वो तो एंजॉय कर रहे हैं, तो मतलब जो बच्चा लोग आ रहे हैं उन लोग के लिए वो क्या करते हैं, वो बच्चा का जो चाहिए थोड़ा जू टाइप का यहाँ फैसिलिटी है। जैसे कि हम लोग बाढ़ से और खरगोज है, एमू भी है, और स्वान टर्की, दिस टाइप ऑफ बार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और एक बात है, बच्चे के लिए यहाँ पे एक छोटा बोटिंग का प्लेस कर रहा हूँ, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो यह एक मतलब रिसोर्ट एक फैमिली, फुल फैमिली के लिए है यहाँ पे। जैसे कि आपको वीडियो में मैंने दिखाया कि बहुत सारे जानवर हैं यहाँ पे जो बच्चे लोग खेल के इंजॉय ले सकते हैं, जो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। बड़े के लिए तो है ही सब कुछ, लेकिन बच्चों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ अरेंजमेंट किया गया है, जो कि बहुत अच्छा लगा हम लोग को। और जानते हैं ऐसे यहाँ पे रेस्टोरेंट का भी है, जैसे प्राइस वगैरह, मतलब वो सबका रूम सबका कितना पैकेज है, पैकेज वो डिटेल्स में बता देंगे। हाँ वो तो तो वो सब चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और बाकी वीडियो में भी आपको दिख जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा भैया हम लोग को। अभी हम लोग का नाश्ता आ चुका है सुबह का, और नाश्ते में क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। यह है पूरी, और यह है
घुगनी जो कि बहुत अच्छा नाश्ता है सुबह के लिए। तो चलिए हम लोग खाते हैं और इसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से घर, क्योंकि हम लोग का ट्रेन का टाइमिंग हो चुका है। तो खा कर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।